देश में अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए जाने जाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कारनामों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। एक ऐसा ही मामला बक्सर से सामने आया है जिसे जानने और सुनने के बाद हर कोई हैरान है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के दौरान बिहारी प्रवासियों का आने का सिलसिला भी नहीं थम रहा है। बिहार लौटने वाले ज़्यादातर लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। अब हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं, यह खबर भी क्वारंटाइन सेंटर से ही सामने आई है। दरअसल बक्सर जिले के राजकीय बुनियादी विद्यालय मंझवारी में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इस क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे अनूप ओझा नाम के शख्स इन दिनों खूब चर्चा में हैं। चर्चा हो भी क्यों नहीं, दरअसल अनूप कई लोगों का खाना एक साथ चट कर जाने में महारत हासिल कर चुके हैं। जानकार बताते हैं कि अनूप ओझा एक बार में 100 समोसे चट कर जाते हैं। इतना ही नहीं, 53 रोटी और 73 लिट्टी भी चट कर जाना इनके लिए आम बात है। अब आपको यह बात भली भांति समझ में आ गई होगी कि अनूप के लिए भले ही यह बात आम हो, लेकिन लोगों के लिए अब यह आम आदमी नहीं रहे। इनकी चर्चा अब जोर शोर से हर तरफ हो रही है। हालांकि अनूप ओझा के खासियत की जानकारी लोगों को तब लगी जब अनूप क्वारंटाइन सेंटर में बने भोजन को खाना शुरू किया। देखते ही देखते अनूप 8 से 10 प्लेट चावल खा जाते हैं। इतना ही नहीं, रोटी और लिट्टी खाने में भी इन्हें खूब महारत हासिल है। अब इनकी खासियत क्या है, जरा इनके पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और सेंटर के व्यवस्थापक से ही सुन लीजिए। दिन के बाद उनको एक्स्ट्रा खाना बनाने लगे। ऐसी कोई बात नहीं, खाना ज़्यादा खाते थे और ऐसे भी रिकॉर्ड है उनके गांव पर भी, वो ज़्यादा खाते हैं, 100-100 समोसे खा जाते हैं, पहले से रिकॉर्ड भी है। कितना समोसा खाते हैं? 100 समोसे खा जाते हैं गांव का भी, मतलब उन लोगों का कहना है। और यहां पर कितने लोगों का खाना हुआ एक साथ में खाते थे? सर ऐसी बात नहीं, हम क्या बता पाएंगे कितने लोग, लेकिन शुरुआत खाना वही करते थे, लास्ट तक वही खाते रहते थे। 80 लोग के बीच में खाना शुरुआत करते थे, लास्ट तक खाते रहते थे। 53 रोटी एक दिन गिन कर दिया गया था, 53 रोटी खाए थे। हाँ, लिट्टी भी बनता था? लिट्टी 73 खाए थे, 73 लिट्टी खाए। चावल भी तो बनता है, वो भी चावल 7 बार 6 बार 8 बार लेते थे। अनूप सिमरी प्रखंड के खरहाटाण गांव निवासी गोपाल ओझा के पुत्र हैं और एक सप्ताह पहले क्वारंटाइन सेंटर में आए हैं। लॉकडाउन से पहले वे राजस्थान के भिवाड़ी में रोजी रोटी की तलाश में गए थे। वहाँ कुछ काम वे शुरू कर पाते उससे पहले ही देश में लॉकडाउन हो गया और उसी में वे 1.5 माह से ज़्यादा तक फंसे रहे। लगभग एक सप्ताह पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वे बक्सर पहुँचे और सिमरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण के बाद उन्हें केंद्र में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया। केंद्र में 87 प्रवासी रह रहे हैं, लेकिन उन सभी में अनूप के खाना खाने की क्षमता देख हर कोई हैरान है। सर अनूप ओझा मैंने 5-6 आदमी के ज़्यादा खाना खाते थे और खाना हम लोग रूम बाई रूम चालू होता था, लेकिन उनको खाना हम लोग पहले दे देते थे और लास्ट तक वो खाते ही रहते थे, 5-6 थाली खा लेते थे। और रोटी कम से कम 70-80 खा लेते थे, लिट्टी कभी कभी बनता था तो 50-55 लमसम में खा लेते थे। ठीक है, फिर खाना तो आप लोगों को दोबारा बनाना पड़ता होगा? जी सर, तो फिर हम लोग 12 बजे खाना देकर चले जाते थे, तो हम लोग 4-4:30 बजे आते थे, तो फिर उन लोगों के दाल भात तरकारी उनको फिर देते थे। अनूप ओझा के बारे में बताया जाता है कि वह जितना ही ज़्यादा खाना खाते हैं उतना ही व्यायाम भी करते हैं और यही वजह है कि खाया हुआ खाना वह आसानी से पचा लेते हैं। अनूप की खास बात यह है कि जब वह खाना खाने बैठते हैं तो भले ही लोग बीच में उठ जाएं, लेकिन वो अंत तक बड़े ही चाव से खाते हैं। बहरहाल चर्चाओं के बाजार में ट्रोल कर रहे अनूप इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं।